गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला काम। जो हम सेंटर ऑफ मास लोकेट कर रहे थे वो काम हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कल से अपना स्टार्ट कर सके। और लोकेशन में हम पहले लीनियर, मतलब एक लाइन चार्ज, लाइन मास था सॉरी, उसको देखा हमने, फिर सरफेस मास को देखा। सरफेस मास वाला कुछ पार्ट कंप्लीट करके मैंने कट पोर्शन करवा दिया, आपको शायद समझ में आ ही गया होगा लास्ट टाइम जो भी करवाया था, ठीक है। तो सरफेस मास में एक दो चीजें और अभी प्रूफ वगैरह देखते हैं और फिर हम चलेंगे वॉल्यूम मास की तरफ। सबसे पहले मैं आता हूं सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगुलर लेमिना। सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगुलर लेमिना। इसके बाद हम आएंगे कोन पे। कोन वाला हुआ किसी बच्चे का? आपको बता भी रखा था फॉर्मूला एच बाई थ्री और ये बोलो बोलो। दो दिन की छुट्टी थी, कोन वाला प्रूफ किया था, ट्राई किया था, कोन वाला प्रूफ, होलो कोन का जवाब दो फिर मैं करवाऊंगा, वो तो कोई बात ही नहीं है। ट्राई नहीं किया, चले कोई नहीं, देखते हैं अभी देखते हैं। सुनो, बड़ा डिफरेंस है एक आइसोसेल्स ट्रायंगुलर लेमिना में और एक कोन में, इवन एलिमेंट मानने में भी, सभी चीजों में। सबसे पहले मैं बात करूं आइसोसेल्स ट्रायंगुलर लेमिना की। ये आपका ट्रायंगुलर लेमिना है, ये पूरा भरा हुआ है, प्लेट है ये, लेमिना मतलब 2D प्लेट। हमने ये माना इसका बेस ए है एंड लेट इट्स हाइट बी एच, और मुझे इसका सेंटर मास लोकेट करना है। तो ज्यादा अच्छा इसमें होता है एलिमेंट ऊपर से मानना, नीचे से मानने की बजाय ऊपर से मानना। तो ओरिजिन आप यहां भी मान सकते हो, या आप चाहें तो ओरिजिन यहां भी मान सकते हो। देखो, जब आपको एलिमेंट ऊपर से ही मानना है तो आप क्यों ना अपना ओरिजिन ही ऊपर मान ले। यह आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये बिल्कुल बीचों बीच आएगा, और ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस। ये हमारे एक्सिस सिस्टम हमने बनाया। अब इसमें सबसे पहला काम होगा एक एलिमेंट मानना होगा। तो आपने क्या किया, अब ऊपर से मानना था, वैसे मुझे एल बोलना पड़ता कुछ और। अब मैंने अगर एक्सिस ही ऊपर से मान लिया तो आसान काम हो गया, नीचे से भी मान के कर सकते हो, उसमें फिर एक इक्वेशन एक्स्ट्रा जाती है। सपोज मैं वाई लेंथ पे गया, एलिमेंट मानने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा और आगे जाओ, कितना डी वाई, और ये एक ब्लू कलर में मैंने एक एलिमेंटल स्ट्रिप माने, ये आपका बना एलिमेंट। अगला काम है इसका एरिया निकाल के इसका मास निकालो। मुझे लगता है अब तक तो आपको तरीके याद हो चुके होंगे कि हम कैसे निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास, समझ में आने लग गए होंगे, है ना। तो देखो फटाफट करते हैं, इस स्ट्रिप का एरिया ये लेंथ सपोज आर बाई टू, पता नहीं आप आर मानते आर बाई टू, जो मानी मैंने पूरी आर मान ली, ये भी आर बाई टू, ये भी आर बाई टू। तो सिमिलर ट्राइंगल से पहले आर बाई टू निकाल लो, सिमिलर ट्राइंगल से लेट दिस एंगल बी थीटा, तो चाहे टेन थीटा से निकाल लो, टेन थीटा बराबर छोटी ट्राइंगल में तो है आर बाई टू अपॉन वाई, बराबर बड़ी ट्राइंगल में है ए बाई टू अपॉन एच, है ना भाई, ये इक्वेशन आ गई समझ। चाहे सिमिलर ट्राइंगल से लाओ चाहे कैसे भी लाओ, तो यहां से आर की वैल्यू आई ए बाई एच इंटू वाई, ए बाई एच इंटू वाई, ये आपका आर आ गया। अच्छा जी ठीक है, आर आ गया, तो इसमें एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया लिखूं, तो ये जो स्ट्रिप है ये कुछ इस तरह की है। अब जब भी आप एलिमेंट का एरिया लिखते हैं, क्या कुछ पार्ट इग्नोर करते हैं कि नहीं बताओ, है ना, हम बस ये लिख पाएंगे, बाहर का थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे। तो ये पूरी लेंथ तो है आर, आर तो है ए बाई एच इंटू वाई, और ये है डी वाई, तो जो स्ट्रिप का एरिया होगा डी एस, डी एस भी बोल सकते हैं, डी ए भी बोल सकते हैं, स्ट्रिप का जो एरिया होगा दैट विल बी ए बाई एच इंटू वाई इंटू डी वाई। चलो जी डी एस आ गया। अब मास कैसे निकालें, डीएम, डीएम कैसे निकालें, यूजिंग यूनिटरी मेथड। डीएम हम निकालेंगे यूजिंग यूनिटरी मेथड, लेट टोटल मास बी एम,
सपोज की टोटल मास है m, पूरे का मास m है, पूरे का एरिया बताएंगे ट्रायंगल का पूरा एरिया हाफ इंटू ए इंटू एच, उसका मास है m, यूनिट मास का होगा m इंटू ए एच बाई टू, टू पर गए, और हमें चाहिए ds मास का, तो हो जाएगा 2m बाई ए एच इंटू डी एस, तो ये लो जी मेरे पास dm आ गया, dm इज इक्वल टू 2m बाई ए एच और इंटू डी एस, और ds आपका है a बाई एच इंटू वाई डी वाई, ए से ए कैंसिल हो गया, dm आ चुका है मेरे पास 2m अपॉन एच स्क्वायर, ये तो कॉन्स्टेंट है, और इंटू वाई डी वाई। अब बताओ बस एक स्टेप, लास्ट स्टेप क्या करना होता है, इसके बाद क्या करना होता है YCM लिखने के लिए, XCM तो है नहीं, ना उधर है ना इधर है, YCM कैसे लिखे हम, बोलेगा कोई बच्चा YCM कैसे लिखें भैया, आप यार इतनी चुप क्लास क्यों है बताओ, फिर तो मैं वैसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा अपना। इंटीग्रल YDM अपॉन इंटीग्रल DM पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बताओ, ये YCM ठीक है, ये इसमें वैल्यूज पुट की मैंने, y क्या है पोजीशन ऑफ एलिमेंट, अब एलिमेंट अगर बड़ा हो तो उसका सेंटर मास देखिए, अब बड़ा भी है तो ये तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो इसका सेंटर तो यही होगा, और उसका y कोऑर्डिनेट तो y ही है, समझ गए हो, इसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0, y, स्ट्रिप के सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0, y, तो y की जगह तो आपने y रखा, डीएम की जगह 2m बाई एच स्क्वायर इंटू वाई डी वाई, और इंटीग्रल डीएम को मैं क्या लिख दूं, m, m लिखने से काम चल जाएगा, y की इनिशियल वैल्यू कितनी है 0, एंड y की फाइनल वैल्यू आपकी है h, तो लिमिट बनेगी 0 टू कैपिटल h, देखो जी इसमें 2m बाई एच स्क्वायर बाहर आया और एक m नीचे है वो कट गया, y स्क्वायर डी वाई लिमिट 0 टू एच, 2 बाई एच स्क्वायर y स्क्वायर का y क्यूब बाई 3 0 टू एच, तो ये बना 2 बाई 3 एच क्यूब अपॉन एच स्क्वायर यानी कि h, तो ये क्या आ गया 2h बाई 3। अब देखो इनमें बड़ा ध्यान देना होता है कि ऑप्शन में कहां से दे रखा है, बेस से दे रखा है कि एपेक्स, एपेक्स मतलब टॉप पॉइंट APEX, बेस से दे रखा है कि एपेक्स से, ये हमारी डिस्टेंस कहां से निकल के आई है वाई, एपेक्स से ऊपर से, तो हमें पता लगा कि सेंटर ऑफ मास उस एपेक्स पॉइंट से तो 2h बाई 3 ऊपर है इसी लाइन पे, कंप्लीट सेंटर ऑफ, यानी कि बेस से ये भी कितना ऊपर है h बाई 3। पहले तो ये बताओ ट्रायंगुलर लेमिना का आ गया समझ में, ठीक है, ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट हो ना कोण और ट्रायंगल, यहां से एलिमेंट मानना चाहिए, नीचे से मानोगे फिर ऊपर h माइनस वाई करके फिर सिमिलर ट्रायंगल में फालतू का डिफरेंशिएशन बढ़ता है, अब अच्छा होगा ओरिजिन ऊपर ही मान लो, नीचे मान के भी कर सकते लेकिन फिर एक इक्वेशन बीच में एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ेगी, तो क्या आपको ये ट्रायंगुलर लेमिना वाला समझ आ गया पूरा कैसे करना था, है ना भाई। अब बात आती है, मैं आता हूं उस पे जो पिछले 3-4 दिन से जो आपको दे रखा है काम करने के लिए, होलोकोन, और होलोकोन और फिर शायद एक हेमिस्फीयर का भी नहीं करवाया होगा, होलो हेमिस्फीयर नहीं करवाया ना प्रूफ, करवा दिया नहीं करवाया, तो अगले दो काम आज की क्लास के होलोकोन एंड होलो हेमिस्फीयर, मेरे पास एक बच्चे ने प्रूफ भेजा था और उन्होंने हेमिस्फीयर का कर दिया लेकिन कोन का उनसे भी नहीं हुआ था, मैं आप पूछता हूं आप में से कितने बच्चों से हेमिस्फीयर का प्रूफ हो गया, होलो हेमिस्फीयर का नहीं, होलो कोन का नहीं, अब ये बताओ कितने बच्चों ने ट्राई किया है, एक बार भी ट्राई किया है कि एलिमेंट मानू कुछ करूं आगे, क्या था सर, तो कोन वाला नहीं हुआ, पहले मैं कोन पे आता हूं, चलो ठीक है देखते हैं मैं करवाता हूं, इधर देखिए सेंटर ऑफ मास ये यूनिफॉर्म है सारे जो ये हम देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो कोन, एक होलो कोन का हम सेंटर ऑफ मास निकालें, मनीष आप हो क्या मीटिंग में, यस सर,
आपने एक मैसेज किया था कि क्या मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मैं आपको बता देता हूँ सभी बच्चों को, मोमेंटम कंजर्वेशन बेसिकली टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर का। उसको एक बार वहां अप्लाई कर चुके, एक बार कोलिजन में अप्लाई कर चुके, लेकिन अभी जब सेंटर ऑफ मास का मोशन स्टार्ट होगा तो दोबारा से वो अप्लाई होगा। आज आज हम लोकेशन देख रहे हैं, अगली क्लास से हम सेंटर ऑफ मास का मोशन स्टार्ट करेंगे तो उनमें मोमेंटम कंजर्वेशन यूज होगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। ना वो मोमेंटम कंजर्वेशन यहीं से रिलेट करके देंगे, सेंटर ऑफ मास से रिलेट करके देंगे। कैसे सवाल देंगे, मैं जैसे करवाऊंगा ना अभी आपको, तो उसमें प्रैक्टिस में आ जाएंगे। हाँ, लेकिन ऐसे सवाल आ सकते हैं जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया, आप ये नहीं बोल सकते हो इस चैप्टर का क्वेश्चन है कि न्यूटन्स लॉ का है, तो न्यूटन्स लॉ का, लेकिन मैंने आपको एक दिन बताया था कि ये तो एक जबरदस्ती एक चैप्टर बना रखा है अलग से, क्योंकि एचसी वर्मा ने बना रखा है, नहीं तो जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग सीधा रोटेशनल डायनेमिक स्टार्ट हो गया है और उसका पहला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, देन आगे बढ़ेगा, परंतु हमारे टेस्ट एचसी वी के अकॉर्डिंग है, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सवाल आ सकते हैं लेकिन प्योर न्यूटन्स लॉ के नहीं, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन तो अप्लाई करवा ही सकते हो। क्या पिछले वर्क एनर्जी वाले में कोलिजन आया था क्या, कोलिजन वर्क एनर्जी के टेस्ट में नहीं आया ना, तो इसमें आएगा फिर, उसमें नहीं आया तो ठीक है। चलो देखते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ होलो कोन, ये देखिए भाई क्या है क्या नहीं है। देखो अभी भी मैंने जस्ट ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल के बाद ही मुझे कोन करवाना था ताकि इनमें डिफरेंस समझ में, ट्राइंगल के जस्ट बाद मुझे कोन लेना था ताकि इनमें डिफरेंस समझ में। ये कोन है ट्रायंगुलर लेमिना और इसमें फर्क ये है, लेमिना में बीच में मास था, सोलिड कोन तो एक अलग ही चीज हो जाएगी, सोलिड कोन में तो वॉल्यूम मास आ जाएगा जो हम आज की क्लास में आगे कर रहे होंगे वॉल्यूम मास वाला काम, लेकिन ये अभी सरफेस मास है। ट्रायंगुलर लेमिना भी सरफेस मास था लेकिन कोन भी सरफेस मास है परंतु अलग तरीके से, तो डिफरेंस सारा यही होगा, एलिमेंट मानने का फर्क होगा। ये बेस माना है, ए मानो कि आर मानो, कुछ भी मानो आपने, हाइट एच ये मान लिया। पहले तो रिजल्ट बताओ कितना ऊपर होता है इसका होलो कोन का सेंटर ऑफ मास, बताओ। अगर ये हाइट एच है, अगर ये हाइट एच है तो कितना ऊपर होता है बेस से सेंटर ऑफ मास होलो कोन का, एच बाई थ्री। और अभी ट्रायंगुलर लेमिना का भी वही आया था लेकिन अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके से हम निकालेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात इसमें एलिमेंट मानना है, तो यू ना माने कि भाई बीच में जाके वहां ना, आप इस पे चलो यू चलो, आप एक्स लेंथ पे जाके एक रिंग बना दो, थोड़ा सा और आगे बढ़ो क्योंकि एलिमेंट का डीएम निकालने के लिए डीएस चाहिए। ये जो बाहर बाहर है इस पे घूम रहा होगा, ये आपका एलिमेंट है। क्या आपको एलिमेंट समझ में आ गया, क्या बना, एक रिंग बनी पतली सी, ये रिंग है कि डिस्क है, क्या है एलिमेंट, रिंग, रिंग है भाई। ये अभी वैसे बोले कौन थे, इतनी खतरनाक पिक्चर लगा रखी है यार, मतलब क्लास में पढ़ाऊं कैसे मैं ऐसी ऐसी पिक्चर देख के, डरना मना है ये, और लिख दो उसके साथ कौन थे, नाम तो बताओ एटलीस्ट जिसकी भी ये पिक्चर थी। हिमांशु। तो हिमांशु इतनी खतरनाक, कमाल है, चलो कोई नहीं। देखो ये एक्स लेंथ पे जाके हमने एक छोटा सा एलिमेंट बना, अब इसमें अगर आपको प्रूफ करना है बेटर होगा आप एक बार एंगल की टर्म्स में चले, थोड़ा लिखना आसान हो जाएगा। लेट दिस एंगल बी थीटा, इसे बोल देते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल, सेमी वर्टेक्स एंगल ऑल्सो नोन एज एजीमुथल एंगल, एजीमुथल एक केमिस्ट्री में वर्ड आप पढ़ लोगे, एजीमुथल एंगल भी इसे बोल देते हैं। अब कैसे करें हम, किस तरह से आगे जाएं, तो सबसे पहला काम इसका एरिया, फिर इसका डीएम, और फिर वही काम वाईसीएम वाला। तो ये सब स्टार्ट करने के लिए मुझे एक्सिस मानना पड़ेगा, ओरिजिन बताओ कहां मानना चाहिए, नीचे मानना चाहिए कि ऊपर मानना चाहिए ओरिजिन, ओरिजिन कहां मानना चाहिए, ऊपर एपेक्स पे कि नीचे बेस पे, एपेक्स पे, वहां से आसान होगा थोड़ा। ये ओरिजिन, लेट दिस बी द एक्स एक्सिस एंड लेट दिस बी द वाई एक्सिस। अब भाई ये एक्स के अलोंग नहीं है तो आप इसको कोई नई चीज बोल सकते हो, जेड बोल दिया मैंने, लेट दिस बी जेड,
क्योंकि x से लगता है कि वो तो अलोंग x एक्सिस है और ये आपका है dz। इस तरह से हमने एलिमेंट माना। पहला काम इसका एरिया, भाई स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालूं मैं, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का रेक्टेंगुलर कैसे बनेगी, पहले तो इसका रेडियस बताओ इन टर्म्स ऑफ थीटा बता दो, आसान रहेगा। रेडियस इन टर्म्स ऑफ जेड एंड थीटा, ये रेडियस इन टर्म्स ऑफ जेड एंड थीटा रेडियस क्या होगा? एक चीज मैं पहले बता दूं, थीटा मानने का फायदा यह है कि थीटा कोई वेरिएबल नहीं है, थीटा वेरिएबल नहीं है, थीटा कॉन्स्टेंट है। थीटा आप लिख सकते हैं इसमें साइन थीटा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कितना है साइन थीटा बोलो यहां से कितना होगा अगर मैं इसमें देखू तो। आप एक काम करो ना, इसको r ही बोल दो यार, रेडियस क्यों बार बार a बाई टू के चक्कर में जा रहे हैं, लेट दिस बी द रेडियस, तो ये आपका 2r हो गया। अब बताओ साइन थीटा कितना है इस ट्राइंगल को देखते हुए, समथिंग अपॉन समथिंग कितना है बोलो सर? h क्यों कर दिया साइन थीटा, क्या बेस आएगा थीटा वो है तो साइन थीटा में क्या आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये गलती आप थोड़ी हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कोस थीटा बोलो भाई, कोस थीटा बोलो अब यहां से, कोस थीटा एच अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच, यानी कि अगर इनकी जरूरत पड़े तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट आगे पुट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बताओ इस एलिमेंट्री रिंग का रेडियस कितना है इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड वेरिएबल जेड, जेड पे कर देंगे, जेड आसान है बिकॉज जेड की लिमिट हमें दिख रही है, एक बार जेड की लिमिट बताओगे यहां क्या क्या है, जेड की इनिशियल वैल्यू कितनी और जेड की फाइनल वैल्यू कितनी लास्ट इंटीग्रेशन के लिए? सर इनिशियल जीरो, इनिशियल जीरो, फाइनल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो अगर आपसे कोण का प्रूफ नहीं हुआ तो ध्यान से देखिए, अब अगर नहीं हुआ तो कम से कम अब ध्यान से देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं जेड और एक कॉन्स्टेंट थीटा के टर्म्स में आर बता दो रेडियस ऑफ द रिंग कितना है, जेड आर और थीटा में क्या रिलेशन है, छोटी ट्राइंगल, हाँ बिल्कुल सही, अगर मैं इस छोटी ट्राइंगल में देखूं तो साइन थीटा है आर बाई जेड, यू कैन से आर इज कमिंग आउट टू बी जेड इन टू साइन थीटा, आर जो आर है आर दिस इज कमिंग आउट टू बी जेड इन टू साइन थीटा, या ठीक है मुझे थीटा वीटा पुट नहीं करने, कॉन्स्टेंट है लास्ट में कर लेंगे। अब इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, बिकॉज एरिया आएगा तब यूनिटरी मेथड से मास आएगा तब काम आगे बढ़ेगा। लो जी इस स्ट्रिप को खोल के सीधा कर लो, ये जो ब्लू स्ट्रिप है इस ब्लू स्ट्रिप को आप खोल के सीधा कर लो, तो एक इस तरह की ये काम होना है, इस तरह का काम हमेशा थोड़ा सा एरिया तो इग्नोर होगा ही होगा। ये लंबाई आपको नजर आ रही है ऊपर वाली 2πr, बोलो क्या ऊपर वाली लंबाई आ गई होगी नजर, है ना, और इस बार ये लंबाई है dz, तो ये dz है तो थोड़ी अप्रोक्सीमेशन लेंगे, इसको भी आप dz बोल ही सकते हैं, ये थोड़ा सा ही साइड में है तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, वो है तो ये भी dz ही होगा। तो बताओ एरिया क्या हो गया, एरिया ds, हम अप्रोक्सीमेट एरिया ही लिखते हैं 2πr इंटू dz, क्या एरिया लिखना आ गया आपको इस स्ट्रिप का, ठीक है। ds इज इक्वल टू, ये कभी भी अप्रोक्सीमेशन से मत घबराना, एलिमेंट जब भी आएगा एरिया अप्रोक्सीमेटली ही लिखा जाएगा, 2πr आर की वैल्यू मैंने लिखी, मैं सब कुछ जेड में रखना चाहता हूं और कुछ नहीं, थीटा से मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है, 2πz sin थीटा इंटू dz, चलो जी ds बन गया। इसके बाद बताओ हम dm कैसे निकाला करते थे, यूनिफॉर्म है ये चीजें, बोलो dm कैसे निकालते थे हम, यूनिटरी मेथड, तो लेट टोटल मास बी m, भाई एक बार ना अच्छे से समझो क्योंकि पूरी क्लास में एक भी बच्चे से नहीं हुआ, अगर मैं मानूं कि सबने ट्राई किया और नहीं हुआ तो आपको बहुत ध्यान से सीखना है,
नहीं हुआ तो इसका मतलब ये अच्छा प्रूफ है, फिर तो आपको ध्यान देना चाहिए इसमें, एलिमेंट थोड़ा अलग तरीके से है। टोटल मास भी है, पूरा एरिया बताओगे? चलो ये बता दो कि एक कोन का एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ द कोन। पाई आर एल सुना है? पाई आर एल, तो पाई इंटू आर एल, एल की वैल्यू कितनी? हाँ, एल की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पूरे एरिया पे मास है, वॉल्यूम में नहीं है, तो पूरे एरिया का तो मास होगा ये एम। यूनिट एरिया का कितना होगा? एम अपॉन पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें कितने एरिया का मास चाहिए? डीएस का, तो डीएस एरिया का मास होगा एम अपॉन पाई आर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू डीएस। इज डीएस ये रहा आपका 2 पाई जेड साइन थीटा डी जेड। एक पाई से पाई, सॉरी पाई से पाई कैंसिल हो गया। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू ये रही मेरे पास, मैं उसमें पुट करूं, अगर मैं उसमें पुट करूं तो देखो मेरा डीएम क्या आया, एक 2 है ऊपर, ठीक है जी, एक एम है उसको भी रखो। साइन थीटा की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो एक आर आ जाएगा, लेकिन आर आएगा तो आर कट गया ना नीचे, दिख रहा है? साइन थीटा की वैल्यू जब आप ये पुट करेंगे तो क्या आर से आर कैंसिल नहीं हो जाएगा नीचे? यस सर, है ना, आर से आर भी कैंसिल हो गया। ये बचा आगे तो डी थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बताओ यही बचेगा कि नहीं? भाई एक अंडर रूट इसका है और एक अंडर रूट उसका है, क्या नीचे ये बचाना आ गया कि नहीं आपको, बताओ? यस सर, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, हम सब कुछ जेड में लेके चलना चाह रहे हैं, सब कुछ जेड में चलता, लेकिन ये डी थीटा कहां से आ गया? अब डी थीटा को कैसे हटाएं, क्योंकि मेरे पास तो मैं वेरिएबल एक रखना चाहता हूं, उसी में इंटीग्रेशन होगा। तो जेड से थीटा कैसे हटाएं, यहां आओ यहां, तब जाके बात बनेगी, क्योंकि मुझे तो जेड और थीटा में किसी न किसी तरह रिलेशन चाहिए, तब जाके जेड से थीटा हटेगा। मुझे अल्टीमेटली जेड और थीटा में रिलेशन चाहिए, तब जाके जेड और थीटा यहां पे हट पाएगा। चलो कोई नहीं, हटा लेंगे लास्ट में, अभी चलने दो काम को आगे। अब बताओ वाईसीएम, वाईसीएम निकालना है, YCM का फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रल YDM अपॉन इंटीग्रल DM, उसको तो आप M लिख ही सकते हो क्योंकि यूनिटरी मेथड लगाया है ना भाई। Y की वैल्यू क्या रखें? Y की वैल्यू तो Y ही रहेगी ना, इसका जो सेंटर है वो यही है बिल्कुल इसके बीच में, तो वो तो Y नीचे ही है, तो 0, y है इसकी पोजीशन। इसका मतलब YCM में वो जो y है उसकी जगह तो y ही आना है, उसकी जगह तो y ही आना है। अच्छा, ये मैंने गलती से डी थीटा लिख दिया क्या यहाँ? DS का है ना, गलती से लिखा है, ठीक है, शुक्र है उस काम पे हमने, ये DZ था यहाँ पे, सॉरी DZ था यहाँ पे, लेकिन अगर डी थीटा भी आ जाता तो हम उस रिलेशन से उसे रिमूव कर देते, कोई बात नहीं, शुक्र उस पर नहीं लगे हम, ये DZ है यहां से, तो ये डीएम आया, ये आया आपका, ठीक है। अब मैं उसको आगे बढ़ाऊं ऊपर वाले काम को, तो YCM इज इक्वल टू इंटीग्रल Y इंटू डीएम, डीएम की जगह आपने रखा 2M DZ अपॉन R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और डिवाइडेड बाई नीचे होगा M, तो दिस इज 1/m। M कॉमन आके बाहर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, M कॉमन आके बाहर आया तो ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली देखो फाइनली YCM क्या बन रहा है, फाइनली जो YCM आपको चाहिए ये आएगा एपेक्स से, हमने फॉर्मूला याद किया बेस से, तो वो तो घटा लेंगे हाइट में से। YCM आया देखो, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और ये बचा इंटीग्रल वाई डी जेड। अब यार ये बताओ ये सोल्व कैसे होगा, क्या y कांस्टेंट है? हाँ भाई, क्या y कांस्टेंट है क्या?
अरे बोलो, y तो ये है, y कांस्टेंट नहीं है। आप जैसे जैसे इंटीग्रेशन में एलिमेंट चेंज करोगे y तो चेंज होगा, लेकिन z एक अलग वेरिएबल, y एक अलग वेरिएबल। तो यूजिंग थीटा y को रिप्लेस करो z लाओ। इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में y और z में क्या रिलेशन है? cos थीटा की साइन थीटा। इस छोटी ट्राइंगल में cos थीटा, जैसे साइन थीटा था आर वाई जेड, जैसे साइन थीटा था आर वाई जेड, ऐसे cos थीटा है y वाई जेड। यानी कि मैं y की जगह क्या लिख सकता हूं, y की जगह क्या लिख सकता हूं, z जेड cos कोस थीटा। थीटा ठीक है, एक अच्छा प्रूफ है। आप समझिए इस चीज को कि कभी एलिमेंट कैसे मानना है, वेरिएबल कैसे कम करने हैं। तो 2 अपॉन r² + h² और ये आ गया z cos थीटा डी जेड। चलो जी, कोस थीटा को भी बाहर निकालो, कॉन्स्टेंट हो। 2 अपॉन r² + h² कोस थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। कोस थीटा कितना है? एच अपॉन अंडर रूट ऑफ r² + h² ये आपका चल रहा है। ठीक है, और उधर बनेगा इंटीग्रल जेड डी जेड। इंटीग्रल जेड डी जेड क्या होगा? भाई इसमें फिर मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। आपने एक मिनट रुको, क्योंकि जेड डी जेड से तो फिर प्रूफ में दिक्कत आ जाएगी। अंदर एक बार चेक करो, जेड स्क्वायर डी जेड बनना चाहिए अंदर, जेड स्क्वायर डी जेड, तब जाके वो प्रूफ हो पाएगा। एक बार चेक करो कोई स्टेप यहां पे ही। आपके पास डीएम लिखा है? आपने नोट किया था डीएम? अरे आपने डीएम नोट किया था क्या? है ना? एक बार बस ये स्टेप चेक कर दो, जब वो डीएम पुट करेंगे यहां, तो क्या ऊपर एक जेड आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि जेड आएगा तब प्रूफ होगा। ना डी जेड तो है। अरे ये रहा, ये जेड कहां गया फिर? ये जेड कहां गया डीएस का? एक बार आप चेक करो, अगर आपने कॉपी में नोट किया है तो। भाई मैंने यूनिटरी मेथड मिटा दिया, नहीं तो मैं यहीं पे देख देता आपके लिए। मैं एक बार फिर पूछता हूँ, ये जेड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा ना, ये यूनिटरी मेथड वाले स्टेप में हम इस जेड को भूल गए हैं, है ना? तो ये जेड आएगा, तो जब आप डीएम पुट करेंगे तो ये आना था ऊपर 2mzdz। सभी को समझ आ रहा है कि नहीं? गलती से वो एक स्टेप में पुट करते समय जेड भूल गए थे, आपने क्लियर देख लिया होगा, है ना? ठीक है, तो अब ये जो बचेगा अंदर, ये बचेगा वाई इंटू जेड डी जेड। अब देखो, अब जब आपने वाई की जगह रखा जेड कोस थीटा, तो ये बन गया जेड स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा बाहर गया और ये जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन। जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? जेड क्यूब बाई थ्री। जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यूब बाई थ्री, और जेड की लिमिट आपने शुरू में रखी थी 0 से लेके अंडर रूट r² + h² 0 से लेके अंडर रूट r² + h² अब आप देखो, जब आप लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट बनेगी r² + h² की पावर 3/2। हाँ जी बोलो, बनेगी नहीं? r² + h² की पावर 3/2, और नीचे देखोगे तो ये भी r² + h² की पावर 3/2 है, तो वो पूरा कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली ये बचेगा 2h/3। समझ आया कि मैं कुछ दोबारा समझाऊं एक दो स्टेप? बोलो। अरे मैं केवल इसीलिए पूछ रहा हूं, केवल इसलिए पूछ रहा हूं कि ये जेड गलती से भूल गए थे बीच में, कहीं उससे आपको दिक्कत हो तो मैं दोबारा बताऊं कैसे आया, या वो दिख गया आपको कि कैसे था। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो ये आप जब लिमिट पुट करोगे तो ये भी r² + h² की पावर 3/2 बन जाएगी, और यहां भी पावर 3/2 वो कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2h/3। तो अगर एपेक्स से 2h/3 है, तो बेस से कितना ऊपर हो गया? h/3। तो आप बताओ कि आपको कोन वाला प्रूफ समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, ये जिन भी चीजों पे ऐसे क्वेश्चन
कोन हुआ, हेमिस्फीयर हुआ, बार बार मास होता है, तो आप एलिमेंट थोड़ा उसकी सरफेस के अलोंग चल के माना करो, जैसे इसमें माना है। अब मैं पूछता हूं होलो हेमिस्फीयर, क्या आंसर था उसका बताओ। होलो हेमिस्फीयर का क्या आंसर था? अगर आर रेडियस का हेमिस्फीयर है तो कितनी दूर था सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसका सेंटर ऑफ मास? आर बाई टू। ये प्रूफ बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसलिए यू मान के चलो जेई मेंस में तो फॉर्मुलों से काम चल जाएगा, जेई एडवांस में जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए, क्योंकि वो इन्हीं में थोड़ा थोड़ा चेंज करके दे देते हैं, तो इन चीजों की समझ होनी चाहिए क्या है, इसलिए भी जरूरी है। ट्वेल्थ आने वाली है, फर्स्ट यूनिट आने वाली है ट्वेल्थ की, इलेक्ट्रोस्टेटिक्स काफी कुछ इस तरह का एलिमेंट मानने वाला काम वहां चलेगा। तो देखते हैं हम अगला पार्ट है होलो हेमिस्फीयर। फिर से मैंने इस तरह से बनाया, ये एक हेमिस्फीयर है, और इसका रेडियस है आर, ये हेमिस्फीयर मैंने माना और इसका रेडियस आर, मुझे ये पता करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो इसमें आप एलिमेंट रिंग की तरह मान लो, जैसे आपने रिंग में माना था, रिंग में अगर आपको ध्यान हो इस लाइन से थीटा एंगल पे जाके वहां पे क्या था, वहां पे बस एक पॉइंट बना था और थोड़ा डी थीटा और गए थे, यहां पे ये ऐसा पूरा हो जाएगा और थोड़ा आपको और चलना होगा। देखिए आप थोड़ा सा और आगे गए डी थीटा, रिंग में तो बस यही एक एलिमेंट रह गया था, इसमें वो एलिमेंट पूरे सरफेस पे घूम गया है, तो ये हमारा बना एलिमेंट। आप बताओ कि आपको एलिमेंट मानना आ गया रिंग में और स्फीयर में क्या सिमेट्री है? ठीक है, बिल्कुल रिंग की तरह इसमें मान लीजिए एलिमेंट, और आपने रिंग की तरह माना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेट दिस बी ओरिजिन, लेट दिस बी एक्स एक्सिस एंड लेट दिस बी वाई एक्सिस, ये हमने मान लिया। ठीक है जी, अब पहला काम डीएस, जो स्ट्रिप बनी है इसका एरिया क्या होगा, बिकॉज इसका एरिया लिख पाओगे तभी तो कुछ काम आगे बढ़ेगा। कैसे बताएं बताओ, इसका रेडियस कितना होगा, इस ये जो बीच का ये जो स्ट्रिप बनेगी इसका रेडियस, देखो ये थीटा, ये रेडियस है आर, ये पूरा आर है, ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट ना सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर, तो आर का थीटा वाली साइड कंपोनेंट क्या होगा, आर कोस थीटा। समझ आया कि नहीं आया बताओ भाई? Yes, ये और ये लाइन पैरेलल है तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो आर का ये कंपोनेंट होगा आर कोस थीटा, यानी कि ये जो आपकी स्ट्रिप बनेगी इसकी एक लंबाई तो कितनी हो जाएगी, अभी पिछले ही टॉपिक में जैसे स्ट्रिप बनाई थी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, वैसे ही आप देखो इसको आप खोल के सीधा करोगे, उसमें फर्क था, उस कोन वाले में आपको ये dx सीधा दिख रहा था, यहां dx सीधा नहीं दिख रहा, ये हमें देखना पड़ेगा। बताओगे एक बार ये लेंथ कितनी है, वो dz था, सॉरी पिछले सवाल में हमने कोन वाले में हमने dz माना था, तो हमने क्या किया था 2 पाई इंटू रेडियस इंटू ए dz, इस बार dz नहीं है, इसको देखो इसको, क्या आपको एक सर्कुलर आर्क नजर आ रही है, सर्कुलर आर्क, अभी सर्कुलर आर्क की तरह नजर आ रही है ये पॉइंट, ये लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू सेंट्रल एंगल, रेडियस कितना है आर और सेंट्रल एंगल है डी थीटा, तो ये लंबाई कितनी होगी आर डी थीटा, कोन में ये लंबाई हमारा वेरिएबल था जेड चल के डी जेड, यहां वेरिएबल नहीं है, यहां हमने थीटा के टर्म्स में निकाला तो ये आर डी थीटा, बिल्कुल सेम ऐसी ये लंबाई रिंग में भी निकाली थी। चलो क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो आप इसका एरिया बता दो भाई, स्ट्रिप का एरिया कितना है, अभी जैसे कोन में लिखा था वैसे ही, बोलेंगे यार 2 पाई आर कोस थीटा इंटू आर डी थीटा, 2 पाई आर कोस थीटा इंटू आर डी थीटा एरिया आ गया, एरिया आ गया तो डीएम भी आ गया, लेट लेट टोटल मास भी एम, तो डीएम कितना होगा, पूरा मास कितना है हेमिस्फीयर का, सरफेस सरफेस का जहां मास है,
पूरा मास नहीं, सॉरी पूरा एरिया कितना है इस हेमिस्फीयर का? सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन। हाँ तो हेमी का कितना होगा? 2 पाई एप्सिलॉन है, 2 पाई आर स्क्वायर टोटल होता है ना। नीचे वाला नहीं लेना भाई, ऊपर ऊपर है बस, ये नीचे वाला नहीं, ऊपर ऊपर है मास, होलो हेमिस्फीयर है बस, खाली बार बार, ठीक है। इनटू यूनिटरी मेथड आ गया समझ, कैसे लगाया मैंने, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा। समझ में आया क्या किया हमने, यूनिटरी मेथड लगाया। 2 पाई आर स्क्वायर का एम एक का होगा, एम अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, और डीएस का होगा इनटू ये, 2 पाई से 2 पाई गया, इवन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी गया, तो मेरा डीएम निकल के आया एम कोस थीटा इंटू डी थीटा। एक बार ये बताओ क्या ये स्टेप यहां तक समझ आ गया कि नहीं, डीएम, ठीक है। अब बात आती है कि इसका वाई है कितना, क्योंकि मुझे तो चाहिए YCM, और YCM का तो सीधा फॉर्मूला है इंटीग्रल वाई डीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम, मुझे ये चाहिए। तो अब ये है कितना ये वाई, अगर रिंग होती तो यही एलिमेंट होता, अगर वो रिंग वाला क्वेश्चन किया होता तो ये एलिमेंट होता, तो उसके तो एक्स वाई आपने लिखे थे आर कोस थीटा आर साइन थीटा, ध्यान है आर कोस थीटा आर साइन थीटा, लेकिन लेकिन वो नहीं है, ये तो पूरा एलिमेंट है, एक्सटेंडेड एलिमेंट है, वहां तो पॉइंट एलिमेंट बनाते हैं, यहां तो एक्सटेंडेड, तो इसका जो सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट लेने। अब देखो ये आर, तो एक्चुअली ये हाइट तो वही होगी आर साइन थीटा, तो हाइट तो जो इसका सेंटर होगा, जो इस एलिमेंट का सेंटर होगा, हाइट तो उसकी भी आर साइन थीटा ही रहेगी, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट आर कोस थीटा की वजह से जीरो हो जाएगा, यानी कि आज जो इसकी पोजीशन लिखी जाएगी एलिमेंट की, दैट इज जीरो एंड आर साइन थीटा। बताए समझ में आया ये स्टेप क्या बताया मैंने, ठीक है। तो अब भाई इसमें वैल्यू पुट करवाओ तभी तो काम आगे बढ़ेगा। YCM बराबर इंटीग्रल वाई कितना बोलो, एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, y कितना r साइन थीटा, dm dm कितना है m cos थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई इंटीग्रल dm, बताओ m लिखना चाहिए कि नहीं, है ना, ये आपने m लिखा, m से m कट जाना है, और कुछ वेरिएबल मत काट देना, कभी भी इंटीग्रेशन में वेरिएबल मत काट देना, पता लगे ऊपर x square dx है नीचे x dx है, x से x काटिए वो तो गड़बड़ हो जाएगी, कॉन्स्टेंट है तो कट जाएगा बाहर आके। ये बचा r इंटू इंटीग्रल साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, और मुझे लगता है ऐसे इंटीग्रेशन तो आपके लिए बड़े आसान है, मैथमेटिकल टूल्स के समय आपने देखे थे कि इंटीग्रेशन कैसे करने है? कैसे करने हैं, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, मतलब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 sin theta cos theta क्या होता है, 2 sin theta cos theta याद है ना आपको, याद होगा यार, याद है ये फॉर्मूला sin 2 theta। हाँ अब sin 2 theta का इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, कैसे, sin इसका देखो एक बार, अगर ये sin theta होता, केवल sin theta होता, तो उसका होता -cos theta, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा r by 2 इंटू माइनस कोस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जो थीटा के साथ एक्स्ट्रा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है उससे डिवाइड कर दो। बताओ ये इंटीग्रेशन ध्यान है आपको कैसे करते थे हम? यस सर। कोई दिक्कत हो तो वो इसको u मान के भी समझाया था मैंने, लेट दिस बी u, वो सब शुरुआती बात है, लेकिन ये हमने कर दिया। अब बात आती है थीटा की लिमिट की, थीटा की लिमिट देख के बताओ यहां से क्या है, कहां से कहां तक, थीटा इनिशियल तो सबको दिख रहा है, थीटा इनिशियल तो कितना है, जीरो, थीटा फाइनल बता दो बस आप, पाई नहीं यार, देखो यही तो गलती हो रही है, एक दिन पहले भी, हाँ एक दिन पहले भी ऐसे हुआ था, जब दूसरी साइड का पार्ट अपने आप कवर हो रहा है तो आपको उधर पहुंचने की जरूरत नहीं है, आपने जब जीरो माना तो इधर का भी कवर हुआ, 30 डिग्री पे गए तो इधर का भी कवर हुआ, तो आपको तो बस यहीं तक आना है, ये अपने आप पूरा भरता आ रहा है, यानी कि थीटा फाइनल आपका कितना होगा, पाई बाई टू। चलो जी इसमें पुट करते हैं, जीरो से पाई बाई टू, सबसे पहले आपने
ये बना, मैं इसको अगर यहां दिखाऊं तो दिस इज इक्वल टू, टू बाहर गया तो माइनस आर बाई फोर इन टू कोस ऑफ अपर लिमिट पाई बाई टू पुट करेंगे, टू से टू गया, कोस पाई कितना होता है, कोस पाई माइनस वन जीरो होता है, साइन पाई कोस जीरो वन होता है, तो कोस 180 डिग्री माइनस वन होता है उससे उल्टा, माइनस लोअर लिमिट कोस जीरो टू थीटा भी जीरो, कोस जीरो कितना होता है वन। बताएं क्या आपको लिमिट पुट करनी आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, और आप माइनस माइनस प्लस कर दो, ये टू आर बाई फोर आ गया, यानी कि आपका आ गया आर बाई टू। यार अब मुझे लगता है कि हमने सरफेस मास में काफी काम कर दिया, क्या आपको सरफेस मास वाला सारा काम समझ आ चुका है कि नहीं बोलो? यस सर। लीनियर मास पहले पढ़ा, देन हम सरफेस मास पे गए, तो अब हमें जाना है वॉल्यूम मास की तरफ। और कुछ पार्ट बताओ, यहां तक कोई होमवर्क दे रखा हो शायद तो नहीं दिया हुआ है ना, हो जाएगा ना ये सब? तो लीनियर मास हो गया, देन सरफेस मास हो गया। अब मैं आपको लीनियर और सरफेस मास के सेंटर ऑफ मास को रिलेट करने के लिए एक थ्योरम देता हूं, जो आगे वॉल्यूम मास में भी काम आएगी, वॉल्यूम मास में भी काम आएगी, देन हम वॉल्यूम मास स्टार्ट कर रहे होंगे उसके बाद। इस थ्योरम को बोला जाता है, क्या लिखा है ये, क्या बन गया पप्पू? अब यार मैं सोचता हूं पप्पू तो नहीं बोलते होंगे, पता नहीं, ये कोई इंडियन नेम तो है नहीं, कोई फॉरेनर नेम है, तो मे बी पप्पूज हो, कुछ भी हो, आप पप्पू बोल लो उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, पप्पूज सेंट्रोइडल थ्योरम ये है, ये लीनियर और सरफेस मास या सरफेस और वॉल्यूम मास में रिलेशन देने के लिए ये होती है। एक और भी साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम होता है, छोड़ो इतने नामों का क्या करना है, दैट इज GULDINUS गुडिनस थ्योरम, छोड़ो एक ही बात है, हमें नाम से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऐसी स्टैंडर्ड थ्योरम नहीं है जैसे न्यूटन के लॉज होते हैं कि आपके पेपर में पूछी जाए। अब ये थ्योरम क्या कहती है सुनो, इसमें दो पार्ट है, सबसे पहला पार्ट आपको कोई लेंथ दे रखी है, सपोज यू नो द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए मास स्प्रेड एट लेंथ, कोई लेंथ पे फैला हुआ है सपोज, उसका सेंटर ऑफ मास आपको पता है, आपको एक मास कोई लेंथ पे फैला हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास आपको पता है, आप क्या कर रहे हैं, फॉर्म ए सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, फॉर्म ए सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब उसको घुमा के, वो लाइन लाइन थी, मैं अगर एक लाइन को घुमा दू रिवॉल्व करा दू तो क्या सरफेस बन जाएगी कि नहीं बताओ? एक सिंगल लाइन है, मैं उसको घुमा दू तो क्या पूरी सरफेस बना देगा कि नहीं वो स्वीप करते हुए एरिया को? Yes, sir. तो उसे बोलते हैं सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इस सेंट्रोइडल थ्योरम का जो पहला पॉइंट है, जो सबसे पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूं, क्या कहता है कि ऐसे घुमा के जो आप सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन बना देंगे, सबसे पहले आप उसका एरिया लो, एरिया ऑफ सरफेस फॉर्म, सबसे पहले आप उसको घुमा के जो भी सरफेस बनेगी उसका एरिया लो, क्योंकि एरिया क्या बने, एरिया ऑफ सरफेस फॉर्म बराबर आपने कितनी लेंथ को रोटेट किया है, लेंथ कंसिडर्ड, आपने जिस लेंथ को कंसिडर किया था, जिसको टर्न किया है, वो मल्टीप्लाइड बाई जो सरफेस बनेगा उसका सेंटर ऑफ मास कितना घुमा होगा, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस मूव्ड बाई सेंटर ऑफ मास ऑफ सरफेस। एक मिनट देखो, एक आसान एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं ताकि ये समझ में आए। क्या हम ये जानते कि जैसे मुझे ये दिया गया हो सेमी सर्कुलर वायर, दिस इज ए
सेमी सर्कुलर वायर, बस ये दिया गया था, इसका रेडियस है आर, सेमी सर्कुलर वायर है और इसका रेडियस है आर, सिंपली हमें ये पता है। अब अगर मैं इसको घुमा दूं, इसको घुमा दूं तो बताओ क्या बनेगा। अगर मैं इसको टर्न करा दूं तो क्या बन जाएगा, एक पूरा एक इस लाइन के बाद हाँ एक होलोस्फीयर बनेगा, सेल बन जाएगा। अगर मैं इसको इस लाइन के अबाउट टर्न करा दूं, देखिए इस लाइन के अबाउट टर्न करा दूं तो ये जो बनेगा ये एक सेल बन जाएगा। तो आपका ये बना इस तरह से, मैं दिखाऊं यहां पे, ये एक सेल बना, होलो है कि सॉलिड है बताओ एक बार, ये जो बना है ये होलो बना है कि कैसा बना है, होलो बनाएगी सॉलिड, क्या बोल रहे हो? होलो। एक बार थ्योरम सुने फिर दोबारा से क्या है। एरिया ऑफ द सरफेस फॉर्म, ये जो भी सरफेस बनी है उसका एरिया बराबर लेंथ कंसीडर, आपने कितनी लेंथ कंसीडर की है, इनटू डिस्टेंस मोड बाई सेंटर ऑफ मास, सरफेस नहीं मतलब ये जो लेंथ थी वो, सेंटर ऑफ मास ऑफ जो भी आपको लेंथ दे रखी थी वो, ये है। तो अब देखो इसमें लगाओ लेंथ कंसीडर, बताएंगे लेंथ कितनी है जो आप घुमा रहे हैं, लेंथ है कितनी, पाई आर, और इससे जो सरफेस बनी उसका सरफेस एरिया कितना है, ये जो एरिया बनेगा कितना है, फोर पाई आर स्क्वायर बराबर डिस्टेंस मोड बाई सेंटर ऑफ मास, जो भी ओरिजिनल था, सपोज इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है, हमें नहीं पता कितनी ऊपर है, मैं निकालना चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं कितनी ऊपर है। वैसे आप जानते हैं, बताओगे कि एक रिंग का, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर मास कितनी ऊपर होता है? अरे बोलो, एक सेमी सर्कुलर रिंग का, ओहो ये तो हदी होगी, आर बाई टू, यार अभी आया एक फॉर्मूला था, एक सेमी सर्कुलर रिंग का, रिंग मैं स्पीयर की सेल की बात नहीं कर रहा हूं, रिंग, एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर मास कितने ऊपर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, टू आर बाई पाई, वो तो सब हमने एलिमेंट मान के उससे किया। अब ये नई जो हमारी थ्योरम है पेपूस थ्योरम, उससे देखते हैं। सपोज आपको सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर मास निकालना है, मैंने मान लिया भाई कुछ हाइट पे है, कुछ हाइट पे मैंने माना, अब ये लेंथ कितनी है, तो लेंथ आप टर्न करेंगे, लेंथ कितनी है, पाई आर। आपने क्या किया, इसको घुमा के एक पूरी सरफेस बना ली, तो सरफेस बनाई उसका एरिया कितना बना, फोर पाई आर स्क्वायर, और इस पूरे घूमने घूमने में तो सेंटर ऑफ मास है वो भी इतना घूम गया, किसका सेंटर ऑफ मास, इसका नहीं, इसका तो यार सेंटर पे रहेगा ये, इसका जो पूरी सरफेस बन गई तो सेंटर पे, अगर ये एच हाइट ऊपर था तो जो डिस्टेंस मूव होगी वो टू पाई इंटू एच होगी कि नहीं बताओ, सेंटर ऑफ मास जो दूरी कर गया होगा पाई टू पाई से घुमाने में, आया क्या समझ में, ये सेंटर ऑफ मास एक एच रेडियस के सर्कल में घूम गया, जैसे आपने इसको घुमाया सेंटर ऑफ मास एक एच रेडियस के सर्कल में घूम गया, तो डिस्टेंस कवर्ड कितनी है सेंटर ऑफ मास की, टू पाई इंटू एच, ठीक है। लगाओ जी फॉर्मूला, लगाओ एरिया ऑफ द सरफेस फॉर्म्ड, जो सरफेस बनी उसका एरिया कितना है, फोर पाई आर स्क्वायर बराबर लेंथ कितनी कंसिडर की थी आपने घुमाने के लिए, पाई आर, ठीक है, इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास, इस लेंथ का जो सेंटर ऑफ मास था वो कितना घुमा होगा, टू पाई इंटू एच सी एम, एक पाई से एक पाई गया, एक आर से एक आर का स्क्वायर कट गया, और एक टू से एक टू कटेगा, तो आप बताओ एच सी एम कितना निकल के आ रहा है, क्या आया गया है समझ में, क्या थ्योरम थी क्या नहीं, अभी बोलो क्या ये रिजल्ट वहां से निकाला एलिमेंट मान के, क्या इस थ्योरम से निकालना समझ में आया, कैसे निकाला है टू आर बाई पाई? यस सर। अब इसका फायदा कब है, जैसे ये तो आपने अभी निकाला हुआ था टू आर बाई पाई, चलो मैं एक बार जस्ट फॉर वेरिफिकेशन आपको पहले दे रहा हूं, एक इसका सेकेंड पार्ट समझा देता हूं, फर्स्ट पार्ट हो गया है ना, फर्स्ट पार्ट क्लियर रहता है हर एक बच्चे को,
क्योंकि क्योंकि हम वेरीफाई करते हुए ले रहे हैं, एक ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं जिनमें ये चीज वेरीफाई हो रही है। सेकंड पार्ट है उसमें आप क्या करेंगे, जैसे यहां क्या था, यू नो द सेंटर मास ऑफ ए मास स्प्रेड एट लेंथ, इस बार ले लो एरिया पे, मास ले लो एरिया पे। जब आप एक एरिया को घुमाओगे तो सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन नहीं, उस एरिया से पूरा बन जाता है सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। इस तरह का एरिया लेना है कि उसको घुमाएंगे तो पूरा सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन बना देगा। और फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ द सरफेस फॉर्म नहीं, एरिया की जगह तो आएगा वॉल्यूम जो फाइनली बना, और सरफेस नहीं सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म इज इक्वल टू, आपने लेंथ कंसिडर की है कि एरिया कंसिडर किया है घुमाने के लिए, एरिया डिस्टेंस मोड बाई सेंटर मास ऑफ द एरिया, वो जो एरिया था उसका सेंटर मास। तो अगर मैं ये दूसरी पॉइंट समझना चाहूं तो बड़ा आसान है, मैं रिंग की बजाय क्या ले लू, यहां पे डिस्क ले लू भाई, रिंग की बजाय अगर मैं डिस्क ले लू तो क्या एरिया हो गया कि नहीं बताओ, ठीक है, रिंग की बजाय मैंने डिस्क लिया तो ये एक एरिया बन गया। और मैं इसका एचसीएम निकालना चाहता हूं, क्या है, जब आप इस आधे डिस्क को घुमाएंगे तो पूरा घूमते घूमते बनेगा तो यही, लेकिन फर्क क्या होगा पिछली बार में और इस बार में, फर्क क्या होगा बताओ, पिछले स्पीयर में और इस स्पीयर में, सर वो होलो तो सर ये होलो नहीं, ये सॉलिड रहेगा, वो होलो था और ये आपका सॉलिड होगा, ठीक है, सॉलिड बनेगा तो इसका वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम कितना होगा स्पीयर का, पूरा स्पीयर बन गया आर रेडियस का 4/3 πr³, और डिस्टेंस मोड बाय सेंटर तो यही है 2πh, वो तो एक h रेडियस के सर्कल में घूम गया सेंटर। चलो अब फिर से अपना फॉर्मूला लगाते हैं, फिर से अपना फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म, वॉल्यूम कितना बना 4/3 πr³ इज इक्वल टू, एरिया कितना कंसिडर किया था आपने शुरू में, लेंथ नहीं एरिया जिसको घुमाया है, अरे भाई एरिया एरिया एरिया, आधी डिस्क है ये, आधी सर्कुलर डिस्क है, मैं लिखता हूं आप ये बताओ ये किसी के दिमाग में आ रहा है कि नहीं, अरे अगर पूरी डिस्क होती, डिस्क है ये कोई थ्री डी में नहीं है टू डी में, पूरी डिस्क होती तो एरिया कितना होता, सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया तो आ गया कि नहीं आया समझ में बताओ, एरिया ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म इज इक्वल टू एरिया कंसिडर्ड, एंड एरिया कंसिडर्ड इज πr² / 2 इंटू डिस्टेंस मूव बाई सेंटर इज 2πh, और फिर से वेरीफाई करते हैं, 2 से 2 गया, एक पाई से एक पाई गया, एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एच क्या आया बताओ, एक तो आर बचा, एक फोर बचा और एक पाई नीचे गया, 4r/3π, क्या यही था क्या फॉर्मूला डिस्क का, सेमी डिस्क का, अरे बोलो, एक डिस्क का कितनी ऊपर रहता था, यही था ना सेम, तो मतलब ये एक अल्टरनेट तरीका है, कभी अटक जाओ कभी ये यूज करना पड़े तो इससे भी आप निकाल, मैंने दोनों के एक एक एग्जांपल लिए हैं जो हम पीछे प्रूव कर चुके वो एग्जांपल लिए, ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अब आपने लीनियर मास सरफेस मास ये सब बताए, इन पे बेस्ड बिल्कुल सीधा अगर मैं सवाल पूछूं, बिल्कुल सीधा, जैसे मान लो पूरी सर्कुलर आर्क ही नहीं है, आपको पूरी सर्कुलर आर्क नहीं दी, ये दे दिया, पहले मैं लीनियर मास पे पूछ रहा हूं, बस इतनी आर्क है, इतनी केवल इतनी आर्क है, रेडियस इसका आर है लेकिन दोनों साइड एंगल बराबर है थीटा, यूनिफॉर्म आर्क है, बताओ जी इसका सेंटर मास कहां होगा,
इसका सेंटर मास कहां होगा? या फिर कहां करो, कुछ आप घर से भी करोगे। एक ये सवाल दिया मैंने लीनियर मास पे, एक मैं ऐसा ही दे रहा हूं एरियल मास पे, सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ये एक्स ये वाई, मैंने इस आर्क की बजाय इसको डिस्क बना दिया, ये डिस्क है लेकिन पूरी सेमी डिस्क नहीं है। ये एंगल थीटा और इधर ये एंगल भी थीटा। भाई इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो मैं बता देता हूं, सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा जीरो। आपको निकालना क्या है, इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा जीरो, आपको क्या निकालना है इन दोनों का, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, करोगे कि नहीं बताओ यार, क्यों तो मैं तो आपको होमवर्क दे रहा हूं अगले टाइम के लिए कि नेक्स्ट टाइम हम करें तो ये आप करके रखे, ठीक है। आपको दोनों में क्या करना है, ना तो ये पूरी रिंग है एक आर्क है, ना ये पूरी सेमी डिस्क है एक पार्ट है, दोनों में आपको YCM निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। अच्छा एक बड़ा आसान तरीका वेरीफाई करने का, बड़ा आसान तरीका है, क्या आप सेमी रिंग का जानते हो, सेमी रिंग का कितना ऊपर होगा, सेमी रिंग का बोलो कितना ऊपर होगा सेमी रिंग का। अगर ये आधी रिंग होती तो सेंटर मास कितना ऊपर होता, 2r/π। तो आप अगर आपको लगे आपने आंसर निकाला सही आया गलत है, ऐसे चेक करना, ऐसे चेक करना पुट थीटा इज इक्वल टू, बताओ कितना, अगर मैं आधी रिंग चाहता हूं तो थीटा कितना पुट करूं उसमें। हाँ बिल्कुल सही, वो 90 में मत बोलो, पता नहीं कैसे आएगा, आपको रेडियन में पुट करना है। क्या है कि जब साइन या कोस के आ गया है जब तो बात अलग है, हो सकता है खाली थीटा आ जाए तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी 90 रखने में। पुट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू एंड गेट YCM इज इक्वल टू 2r/π। ये तरीका इसलिए भी जरूरी है कल को ये ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाए, ऑब्जेक्टिव आएगा आपके दो चार ऑप्शन आएंगे, तो क्या हम दो ऑप्शन इस तरह से रिजेक्ट कर पाते हैं कि नहीं आधी बार, यस सर, है ना। और भगवान ने चाहा, अच्छी किस्मत हुई तो कि अब तक तीन ही ऑप्शन इससे रिजेक्ट हो जाए तो आपको आंसर मिल जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें दिमाग में रखा करो कि अपने ऑप्शंस में जब थीटा पाई बाई टू पुट किया तो ये YCM ये बनना चाहिए, ठीक है। अपने आंसर निकाल के वेरीफाई करना, ऐसे इसमें बताओ इसमें वेरीफाई कैसे करोगे, थीटा क्या रखें कि सेमी डिस्क बने, हाँ थीटा पाई बाई टू रखने पे आपका YCM क्या आना चाहिए, 4r/3π। भाई यार ये दो ठीक ठाक से काम दिए मैंने आपको करने के लिए, लोकेशन के ऊपर ही, लिनियर मास और सरफेस मास दोनों पे, तो आप ये वाले क्वेश्चंस जरूर अपने ट्राई करके रखेंगे। अभी बताओ क्या यहां तक बात आ गई है समझ में, यस सर, ठीक है। अब मैं चलना चाहूंगा कौन से की तरफ, बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या होना है हमारा, वॉल्यूम मास, बिल्कुल सही वॉल्यूम मास, क्योंकि सवाल तो इसमें चलते रहेंगे और भी दे देंगे, आप पहले दो अपने ट्राई कीजिए। अब हम वॉल्यूम मास की तरफ चलते हैं, और वॉल्यूम मास डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर मास डेंसिटी होती है लैम्डा, एरियल मास डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूम मास डेंसिटी को अक्सर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो। जो आपकी वॉल्यूम मास डेंसिटी होती है वो तो पुराना सिंबल है, आप पुरानी डेंसिटी को ही रो दिखाते आए हैं, क्योंकि वॉल्यूम मास डेंसिटी होती थी मास अपॉन वॉल्यूम, उसको सिंबल दिया जाता है रो। अब कोई भी कैसा भी जैसे वॉल्यूम है, कैसा भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम टाइप कुछ नजर आ रहा है कि हाँ ये पूरा भरा हुआ है, सरफेस नहीं है वॉल्यूम है, हाँ भाई समझ में आ रहा है ना, ये 3D में जा रहा है और भरा हुआ दिख रहा है कि नहीं ये वॉल्यूम, ठीक है। Yes, ये केवल इस बीच की लाइन लगने की वजह से होता है,
अगर ये बीच की लाइन हम ना लगाए तो ये यूं ही लगता रहता है जैसे 2D है कि 3D है, पता ही नहीं लगता भाई। बीच में हल्की सी लाइन बनाने से यूं नजर आता है कि जैसे 3D है। अब इसका अगर आपको सेंटर मास लोकेट करना है तो सबसे पहले आपको अपने एक्सिस मानने होंगे, कहीं भी ओरिजिन हो सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। बताओ जी अगला काम क्या होता है, क्या करना होता है बोलिए। एलिमेंट, इसके अंदर कहीं भी आप एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे, लीनियर एलिमेंट था तो हम उसकी लेंथ देखते थे, सरफेस एलिमेंट इतने माने हमने उसका एरिया देखा मास निकालने के लिए, वॉल्यूम एलिमेंट माना है तो क्या निकालें ताकि उसका मास आ जाए, डीएम आ जाए, वॉल्यूम, आपको उसका वॉल्यूम देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने एक एलिमेंट माना, सपोज जिस जगह आपने एलिमेंट माना है उसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो अक्सर कहीं जरूरत पड़ जाए तो, वैसे पड़ती नहीं है जरूरत, तो डीवी को आप लिख पाते हैं डीएक्स इंटू डीवाई इंटू डीजेड। डीवी स्मॉल पार्ट का जो वॉल्यूम होगा हम तो और ही तरीकों से निकाल लेंगे, लेकिन अगर ये एक्स है तो इसका मतलब थोड़ा सा और आप एक्स में गए डीएक्स आगे, इधर वाई में जाओगे थोड़ा सा और आगे डीवाई, जेड में जाओगे तो थोड़ा सा और जेड के लोग डीजेड, तो तीनों लेंथ डीएक्स डीवाई डीजेड है तो ये आपका डीवी है। इससे आपने क्या किया, यूनिटरी मेथड से या जैसे भी करके आपने डीएम निकाल दिया। अब बताओ बस, अब तो वही फॉर्मूले फिर दोबारा से, एक्सीएम, क्या फॉर्मूला एक्सीएम का, इंटीग्रल एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम, वाईसीएम इंटीग्रल वाई डीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम, जेडसीएम इंटीग्रल जेड डीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम। मतलब तरीका वही बढ़ रहा है, बार बार वही काम करना है, बस कुछ थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं और कुछ फर्क ही नहीं। अब तो एक लोकेशन वाला काम है, मान के चलो शायद आज कंप्लीट हो ही रहा है, 3D में कोई बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। अभी बताओ कल से फिर मोशन वाला काम शुरू करवा लेना, सेंटर ऑफ मास के मोशन वाला जिसमें मोमेंटम और इन सब चीजों का यूज होगा, ठीक है। आज ये लोकेशन अपना फिनिश करते हैं। अब अगर मैं 3D की तरफ, मतलब सॉरी वॉल्यूम मास की तरफ चलूं, तो वॉल्यूम मास में एक एलिमेंट जो एक तो कॉमन से एलिमेंट है, एक तो आप सॉलिड हेमिस्फीयर मान सकते हो, एक सॉलिड कोन मान सकते हो, बहुत ज्यादा भी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। अगर भरा हुआ स्क्वायर हुआ तो भी उसका सेंटर ही उसका सेंटर मास है, भरा हुआ रेक्टेंगल हुआ डायगोनल जहां मिल रहे होंगे वो उसका सेंटर मास। लेकिन दो चीजें आप याद रखो इसमें, मतलब दो का प्रूफ अपने ढंग से रखो कि कैसे होना चाहिए कैसे नहीं, ताकि एक वॉल्यूम एलिमेंट वाला भी सवाल समझ में आ जाए हमें कि कैसे एलिमेंट मान के करते हैं। दो मैं बोल रहा हूं क्या, एक तो सर्कुलर कोन, सॉलिड की मैं बात कर रहा हूं तभी वॉल्यूम में मास होगा, राइट सर्कुलर कोन, पूरा भरा हुआ है, पूरा हाइट इसकी है h, लेकिन ये पूरा भरा हुआ है। अगर ये होलो होता, अगर ये होलो होता तो बताओ सेंटर मास बेस से कितना ऊपर था इन टर्म्स ऑफ h, कितना था बेस से, अगर इन टर्म्स ऑफ एच में बोलूं होलो होता तो एच बाई थ्री। तो मुझे ये बताओ सॉलिड है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, एच बाई थ्री से थोड़ा और ऊपर होगा या थोड़ा नीचे होगा, बस इस बात का जवाब दो, नीचे। कारण क्या है, सेंटर मास उधर ज्यादा होता है जहां मास ज्यादा है, अभी भरा हुआ है, नीचे तो बहुत जगह है बहुत ज्यादा मास है, ऊपर कम मास है। अगर होलो होता तो मास बराबर बराबर सा बार बार फैला हुआ था, बस पतला ही है वो, जैसी थिकनेस यहां वैसी यहां वैसी यहां, ऑलमोस्ट बराबर समास था, लेकिन लेकिन भाई नीचे ज्यादा तो था, डेफिनेटली ज्यादा था क्योंकि नीचे लेंथ ज्यादा है ऊपर लेंथ कम है, इसीलिए तो सेंटर पे नहीं आया, इसीलिए तो एच बाई थ्री पे आया, थोड़ा नीचे की तरफ ही आया, लेकिन अब तो और भी नीचे आएगा क्योंकि मास भरा हुआ है, तो नीचे तो बहुत जगह है मास भरने की। तो इसमें जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कितनी ऊपर होता है आप याद हो जाएगा आपको, क्या लिखा मैंने दिख रहा है, h/4 याद रखना, ये कंफ्यूजन मत रखना कभी इनमें, भूल जाओ, यूं भूल भी जाओ अगर h/3 h/4 किसमें है तो सॉलिड का और भी नीचे होगा, यानी कि h/5।
और दूसरा जो हम याद कर लेते हैं इन सॉलिड्स में, दूसरा क्या बताया था मैंने अभी बताओ, अभी भी नाम लिया था, बोलो दूसरा जो हम मानेंगे दैट इज हेमिस्फीयर जो कि सॉलिड है। हेमिस्फीयर जो कि सॉलिड है, अब देखो इसका रेडियस है आर, ये भरा हुआ है, अगर ये होलो होता तो कितने ऊपर था इसका सेंटर मास, आज ही निकाला था, प्रूव किया था, R by 2। लेकिन अब होगा 3R by 8, ये हमें याद रखना है, ये उससे कम हाइट पे है, उससे कम है क्योंकि सॉलिड होते हैं नीचे बहुत मास भर गया तो उससे कम है। R by 2 होता है 0.5R, 1 by 2R मतलब 0.5R, और ये है 8 3 24 8 4 32, 0.4R के आसपास, तो यानी कि ये भी नीचे हो गया और वो भी नीचे हो गया, दोनों के दोनों नीचे हो गए। अब इनमें भाई सुनो, एक प्रूफ मैं करवाऊंगा, एक आप करेंगे, बताओ कौन सा करूं, और अगली बार आपसे होने चाहिए प्रूफ, जैसे आज वो कौन का मैंने देखा वो हो ही नहीं रहा है, कौन आप लेके बैठे हैं, कौन का वो हुआ ही नहीं प्रूफ, कैसे क्या है क्या नहीं, तो बताओ कौन सा करवाऊं या दोनों वाला करवा दो सर, दोनों ही करवा दूं, कौन वाला सर, कौन वाला, ठीक है चलो कौन वाला करते हैं, फिर आप ये ट्राई करेंगे अपना सॉलिड हेमिस्फीयर वाला, ठीक है मैं कौन वाला करवा देता हूं। तो कौन का जिस तरह से आपने किया था उसी तरह से शुरुआत करते हैं, ओरिजिन कहां मानना चाहिए, एपेक्स पे, ओरिजिन आपको मानना चाहिए एपेक्स पे, ये आपका एक्स एक्सिस एंड लेट दिस बी द वाई एक्सिस, ये है। अच्छा अब इसके बाद वैसे ही अगर हम चले तो इसमें उधर एलिमेंट मानने की जरूरत नहीं है, होलो कौन में दिक्कत क्या थी, बीच में मास ही नहीं था तो आपको एलिमेंट उसके स्लंट हाइट के अलोंग जाना पड़ा था, इसमें तो भाई पूरे में मास है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरे में मास है तो आप वाई एक्सिस के अलोंग जाके एलिमेंट मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे है देखिए, मान लो एंगल थीटा पिछली बार की तरह जैसे उसमें यूज हुआ क्या पता हो जाए, आप वाई हाइट नीचे गए और थोड़ा और नीचे गए डीवाई, अपने आप एक एलिमेंट बन गया, अपने आप एक एलिमेंट बन गया क्योंकि बीच में मास भरा हुआ है, एक प्लेट सी बन जाएगी कुछ थिकनेस की कुछ एरिया की इस तरह से, क्योंकि इसमें पूरे में मास भरा हुआ है, ये है। मान लो इस प्लेट का जो रेडियस है वो मैंने आर बोल दिया, स्मॉल आर, ये इसका रेडियस बोल दिया, थीटा की वैल्यू जो आप जानते हो पिछली बार की तरह, है ना भाई, थीटा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पिछली बार जैसे किया था वैसे ही। चलो पहले तो डीएम निकलवाओ, डीएम निकलने के लिए आप ये बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम में मास है, इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा ये बताओ, एलिमेंट को अगर मैं देखूं तो जो बेस ऑफ द एलिमेंट है मतलब सॉरी एरिया, ऊपर ऊपर रेडियस आर है तो जो गोल गोल बनेगा एरिया कितना बनेगा ऊपर ऊपर का, 2πr कोई एरिया होता है क्या, πr² और ये कुछ ऐसा जाएगा हल्का सा ही हूं, बस हल्की सी चीज को तो हम हमेशा इग्नोर ही करते रहे, इसको तो हम इग्नोर ही करेंगे क्योंकि बहुत कम है, और ये आपकी है डिवाइस, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ सिलेंडर, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ सिलेंडर, तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, πr² dy। चलो जी एक काम तो हुआ, अगला काम माना कि पूरे का मास है m, सपोज हमने मान लिया कि भाई इस पूरे का मास m है, यूनिटरी मेथड लगाना है तो एक बार पूरा वॉल्यूम बताओ, कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो शायद आप सभी जानते ही होंगे, कौन का पूरा वॉल्यूम अगर रेडियस ऑफ द बेस r है तो, और कौन 1/3πr²h याद है सभी को, यस सर, तो अगर मैं 1/3πr²h वॉल्यूम लू तो उसका मास है m, यूनिट वॉल्यूम लू तो m अपॉन ये 3 ऊपर जाएगा πr²h, और मुझे चाहिए dv वॉल्यूम तो मेरे पास dm आ गया यूनिटरी मेथड से 3m अपॉन πr²h और इंटू dv, एंड dv इज πr² इंटू dy, ππ,
तो डीएम आ गया 3m बाई आर स्क्वायर एच इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी वाई। फिर दिक्कत चल रही है कि r अलग वेरिएबल है, वाई अलग वेरिएबल है, कोई नहीं, थीटा है हमारे पास, हम कर लेंगे ठीक ठाक उसको तो हम कर लेंगे ठीक ठाक। अब आपको इसका सेंटर मास की पोजीशन लोकेट करनी है। ये जो स्ट्रिप बनी, ये जो पट्टी बनी, इसका सेंटर मास बीच में होगा। बीच में मतलब उसका कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं, एक्स जीरो और वाई वाई, नजर आ रहे हैं, तो जीरो कोमा वाई, समझ में आया होगा, ठीक है। और इस बार लिमिट वाई पे लगनी है, वाई की लिमिट तो बड़ी आसान है, वाई की इनिशियल वैल्यू यहां कितनी, जीरो, और नीचे आओगे तो वाई यहां कितना, एच। चलो बस अब स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन वाला काम। YCM क्या फॉर्मूला, इंटीग्रल YDM अपॉन इंटीग्रल DM। भाई बिना मैथ्स के फिजिक्स कुछ नहीं है, आप ये मान के चलो, आप तो वैसे ही नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं, और इवन मतलब इतना मैथ्स तो आना चाहिए, क्योंकि बिना मैथ्स के तो खाली कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट पे रहोगे ना, तो लॉजिकल बातें सोच के आप एग्जैक्ट रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाओगे, क्वांटिटेटिव रिजल्ट तक, बस इतना कर पाओगे हाँ ये नीचे होगा ऊपर होगा। तो आपको मैथ्स घबराना नहीं है मैथ्स में कभी भी, क्योंकि मैं आपको बार बार 12th यूनिट फर्स्ट का एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ही उसमें जाएंगे आप देखोगे धड़ाधड़ मैथ्स हम यूज कर रहे होंगे, और आप अच्छे से घबराना ही नहीं मतलब उन चीजों से, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इन चीजों से। YCM चलिए हमने पुट किया, इंटीग्रल वाई इंटू डीएम, डीएम की जगह ये रहा 3m अपॉन आर स्क्वायर एच इंटू आर स्क्वायर डी वाई, और डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डीएम नीचे वाला m, m बाहर आके कट लेगा, तो YCM आया 3 बाई आर स्क्वायर एच इंटीग्रल वाई आर स्क्वायर डी वाई। एक दिक्कत आ गई बस अब यहां, जो मैंने शुरू में बताई थी, बताओ क्या, क्या दिक्कत है यहां पे, स्मॉल आर कैसे गायब करें, टेन थीटा लिखा था पिछली बार भी दो ट्रायंगल से या सिमिलर ट्रायंगल से, भाई यहां से देखते हो तो आर बाई वाई, और बड़े में देखते हो तो कैपिटल आर बाई एच, तो जो आपका स्मॉल आर होगा दैट विल बी कैपिटल आर बाई एच इंटू वाई। बताओ समझ में आया क्या यहां तक, हाँ भाई बोलो, ये पीछे भी करते हैं हम, तो ये हमने इसमें पुट किया, मैं इसी में लिख देता हूं, स्मॉल आर स्क्वायर की जगह यह बनेगा आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और एक वाई ये रहा तो बन गया वाई क्यूब। शायद आप समझ गए होंगे क्या क्या हुआ है, ठीक है, आर स्क्वायर बाहर आके आर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, समझ में आया, ये मैंने मिटा के जो लिखा था अभी, ठीक है। तो अब देखो एच स्क्वायर बाहर आके बना 3 बाई एच क्यूब इंटीग्रल वाई क्यूब डी वाई, वाई के लिमिट अभी बताया था 0 to एच, ठीक है, तो वाई क्यूब का इंटीग्रेशन वाई की पावर 4 अपॉन 4, और जब आप उसमें लिमिट पुट करेंगे तो बचेगा एच क्यूब चल रहे एच रेस्ट पावर 4 अपॉन 4, एच क्यूब से एच क्यूब कटा कितना आ गया 3h बाई 4, आना तो चाहिए था h बाई 4, फिर ये 3h बाई 4 कैसे आ गया, हाँ ये ऊपर से आया 3h बाई 4, तो अगर ऊपर से 3h बाई 4 है तो अपने आप बेस से कितना हो गया, ये h में से घटाओगे तो h बाई 4। आप बताओ मुझे क्या ये वाला प्रूफ आपको समझ में आ गया, yes, sir। अब कम से कम सोलिड एमस्फीयर का करोगे ना अपने आप ट्राई, आंसर बता दिया 3r बाई 8 पे आना है, yes, sir। है ना, और दो वो सवाल दिए पीछे जो छोटे आर्क और छोटी डिस्क, वो वाले भी अपने ट्राई जरूर करना, ठीक है। अब मान लो जैसे इसमें अगर कट वाले पोर्शन आ जाए तो 3D में, सपोज कीजिए 3D में कट वाला पोर्शन आ जाए, एक वैसा ही मैं अगर सवाल लूं, कैसा, एक स्फीयर में जैसे डिस्क में नहीं लिया था पीछे, डिस्क में वो एनुलर डिस्क बना दी थी या और पोर्शन कट कर दिया था जैसा भी, तो ऐसे अगर स्फीयर में से कट किया जाए तो कैसे निकालेंगे, सॉलिड
solids having some cut. अरे ये चैप्टर आपका धीरे धीरे अच्छे चैप्टर आते जा रहे हैं आगे आगे फिजिक्स में, हर बार और नया चैप्टर अगला अच्छा ही आएगा, इस तरह का काम हो रहा है. सॉलिड हैविंग सम कट, मैं फिर पूछता हूं, क्या आपने एलिमेंट मानना तो शायद इसी चैप्टर में सीखा होगा, अलग अलग पार्ट्स पे कैसे एलिमेंट मानते हैं, अलग तरह की शेप पे कैसे मानना है ना, या इससे पहले तो इतने तो एलिमेंट हमने नहीं माने, तो ये चीजें यूज होती चलेंगी. अब मैं आपको इस तरह के सवाल देता हूं जिसमें मतलब इस तरह का कट हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऐसा सवाल दिया था, आपको ध्यान हो, ये कट था, ये इसके सेंटर से पास हो रहा था, बताओ ये याद है ये? यस सर. लेकिन वो था 2D में, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं 3D में. मान लो ये रेडियस है 2R, ताकि वो R रहे, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और वहां तो ये डिस्क थी, मैंने क्या बोल दिया, स्फीयर है, और जहां मास है वो यूनिफॉर्मली बटा है, लोकेट द सेंटर ऑफ मास. सपोज ये आ गया, आपको सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है इसमें, अरे एक तो याद हो मैंने पहले तो ये कहा था सिग्मा भर दो, माइनस सिग्मा भर दो, करवाया था उस तरह से, ठीक है. अगर उस मेथड से जाओगे तो बोलूंगा रो भर दो, पहले बाहर मान लो रो डेंसिटी है, फिर कहूंगा इसमें भी रो भर दो और माइनस रो भर दो. देखिए सपोज बाहर डेंसिटी है रो, तो आप मानेंगे कि इसमें मैंने एक रो और माइनस रो भरी, एक तो पूरी रो भरी उसकी वजह से तो बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा सेंटर मास, और एक माइनस रो भर के उसका इसके सेंटर पे आएगा, दोनों का मास निकाल लेंगे, दोनों का एरिया निकाल लेंगे और कर देंगे. बताओ ये हो जाएगा आपसे, करवाऊं कि ये हो जाएगा, बताओ एक मिनट, ये आप करोगे मैं करो, देखो जरूर करोगे नहीं तो आप भूल जाओगे क्या है. मैंने कहा ये रो डेंसिटी मानी, बीच में रो और माइनस रो मान लो, एक रो डेंसिटी का पूरा गोला बना, तो पूरे गोले का तो मास एम वन होगा रो इंटू 4/3 π/2R का क्यूब, और वो रखा होगा 0.0 पे. फिर जो माइनस रो डेंसिटी बची उसका एक यूनिफॉर्म स्पीयर बना, उसका मास होगा माइनस रो इंटू 4/3 π/R का क्यूब. जब आप 2D में करते थे तो खाली पाई आर स्क्वायर और इस तरह की बातें किया करते थे, और इसका सेंटर अगर आपको समझ में आए दिखे तो मैंने लिखा है 0.0 यहां होगा. अब बताओ ये दो पार्ट हो गए दो पार्ट. उसके बाद डायरेक्ट एक्सीएम m1x1 प्लस माइनस मत कर देना इस मेथड में, प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2. मैंने ऑलमोस्ट कर ही दिया आपके लिए ये, तो क्या बताएं एक बार, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या आंसर आ रहा है इससे बता दो, एक्सीएम नेगेटिव आएगा, हमने देखा भी था इधर की तरफ आएगा, YCM तो जीरो ही आना है. एक बार फटाफट इसको सोल्व करके बताओ कि एक्सीएम आ कितना रहे. एक्सीएम बराबर माइनस में कितना आएगा ये आपको बताना है इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद. कितना आया या नहीं आया अभी तक भी? -R/7 अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही है आपका आंसर. और किसी बच्चे का आया -R/7? सब कुछ बोर्ड पे लिखा है, सब कुछ बोर्ड पे लिखा, पुट करेंगे और करेंगे. मैं चाहता हूं अल्टरनेट मेथड पे, जो ये भरने वाले काम ही खत्म. दूसरा मेथड वहां पे एक फॉर्मूला पड़ा था a1x1 - a2x2 / a1 - a2, मास का चक्कर ही नहीं था, तो ऐसा फॉर्मूला 3D में एरिया की जगह क्या आ जाएगा? मास है, मास वॉल्यूम. वॉल्यूम,
तो सेम फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो बनेगा वी वन एक्स वन अब प्लस नहीं माइनस वी टू एक्स टू अपॉन वी वन माइनस वी टू। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला यूज करो तो प्लस और वो फॉर्मूला यूज करे तो माइनस। जिस किसी को भी थोड़ा भी दिक्कत हो इसमें, पुराने जो लेक्चर है, एक दो पीछे वाले लेक्चर जिनमें मैंने सरफेस एरिया वाला वो डाले हुए आपकी प्लेलिस्ट पे, आप देख सकते हैं, उस पे से आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो अभी मैं एक साथ बता रहा हूं। अब देखो यहां से देखते हैं, V1 मतलब कि अगर ये पूरा भरा होता तो इसका वॉल्यूम, अगर पूरा भरा होता तो इसका वॉल्यूम कितना होता, 4/3 π 2R का क्यूब। तो आपको बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं कि इसमें रो भरो माइनस रो भरो, सीधा वो लगा दो इंटू x1 है जीरो, पूरा भरा होता तो उसका सेंटर ओरिजिन पे होता, माइनस v2 मतलब केवल और केवल कट पोर्शन का वॉल्यूम, कट पोर्शन का वॉल्यूम है 4/3 π R³ और इंटू कट पोर्शन का सेंटर है R पे, डिवाइडेड बाई 4/3 π 2R का होल क्यूब माइनस 4/3 π R का क्यूब। 4 बाई ये तो जीरो ही हो गया, हटाओ इसको, 4/3 π कॉमन आके कैंसिल हो गया, ऊपर बचा माइनस R³ × R और नीचे बचा 8R³ − R³ 7R³, R³ से R³ गया और आंसर अगेन यही आ गया −R/7। तो ये तो जस्ट एक तरह से एक्सटेंशन हुआ है, ये तो जस्ट एक तरह से एक्सटेंशन हुआ है कि a1x1 − a2x2 / a1 − a2 फॉर्मूला 3D में क्या बन गया, अगर यूनिफॉर्म से इस तरह के कट हैं तो v1x1 − v2x2 / v1 − v2। बताएंगे सभी को समझ आया कि नहीं आया ये? यस सर। ठीक है, तो एक सवाल इस पे भी लो, होमवर्क चाहो तो होमवर्क लो, यहां करना चाहो तो यहां करो, होमवर्क ले लो कोई बात नहीं। मान लो एक सॉलिड कोन है, ये एक पूरा सॉलिड कोन था, इसका रेडियस आर और हाइट एच है, रेडियस आर है और हाइट एच है, ये है, लेकिन इसमें से छोटा पार्ट कट कर रखा है, छोटा पार्ट कट कर रखा है, कैसा पार्ट माने यहां पे आधे रेडियस का पार्ट और आधी हाइट तक, मतलब ये जैसे नारियल के अंदर खाली जगह होती है इस तरह से खाली जगह, ये पार्ट होलो है, ये इतना सा पार्ट होलो है और जो पार्ट होलो है उसका रेडियस है R/2 और उसकी हाइट टॉप से है h/2। हाँ, बाकी पूरे में मास भरा हुआ है, समझ में आ गया क्या क्या है? हाँ भाई, कहां कट है शायद आपको क्लियर हो ही गया होगा। मान लो ये बस मैं वैसे ही दे रहा हूं आपको क्वेश्चन, नहीं बना के सीधा, कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जस्ट इसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए v1x1 − v2x2 के लिए आपको दे रहा हूं, ये x एक्सिस एक y एक्सिस, तो आपको ना इसका सेंटर मास लोकेट करना है। ये बताओ xcm जीरो होगा कि ycm जीरो होगा, बस इतना बता दो। इसका xcm जीरो होगा या इसका ycm जीरो होगा? xcm। हाँ, तो लोकेट y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ h, h की टर्म्स में आपको कट पोर्शन वाला फॉर्मूला यूज करते हुए और h की टर्म्स में फिर आपको ये लोकेट कर देना है कि भाई कहां है कहां नहीं है। ठीक है, तो अब ये मैं मानू कि सेंटर ऑफ मास लोकेशन शायद ढंग से समझ में आ ही चुका है। yes, sir. ठीक है, yes, sir. अब इस पे अब जो अगली जो हमारी क्लास होगी मैं सेंटर ऑफ मास लोकेशन पे नहीं लूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, ये तो करेंगे हम डिस्कस, ऐसी बात नहीं कि जो क्वेश्चन दिए वो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो अगला जो क्लास का जो मेन फोकस होगा, मतलब 1.5 घंटे में से लगभग 1 घंटे 15 मिनट हमारा फोकस रहेगा मोशन ऑन सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, कल ट्यूसडे है तो कल से मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीक अब ताकि सेंटर ऑफ मास पूरा कंप्लीट हो और आप ढंग से फिर ये पार्ट कर सके, प्लस इस वीक अपना HCV का वो चैप्टर आप स्टार्ट कर दीजिए, वो जो चैप्टर है सिंगल चैप्टर है, चैप्टर 9 था कि कौन सा था, 9 था शायद,
जिसमें सेंटर ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कंजर्वेशन और ये सब लगाना है आपको। तो ये वाला पार्ट आप स्टार्ट कर देंगे और ठीक है, जैसे भी डाउट्स हो पाएंगे हम आपके लेंगे धीरे धीरे। थैंक यू।